हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लक्ष्मी होम कुकिंग में। आप सबके लिए मैं आज लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और सिंपल ऐसी करेले फ्राई की रेसिपी। बहुत सारे लोग करेला खाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो कड़वा लगता है, मगर इस तरह से आप रेसिपी बनाएंगे तो जिसको करेला पसंद नहीं है उसको भी ये रेसिपी पसंद आएगी, वो खाने लगेगा, और जिसको ऑलरेडी पसंद है वो तो बार बार बना के खाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर एंड तक देखिए, वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। करेला फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे करीबन आधा किलो करेले लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने छोटे छोटे करेले लिए हैं। इसमें बहुत ही कम बीजें होती है और अंदर की बीजें निकालनी भी नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं कितने फ्रेश है, और ऊपर के इसके जो दांत जैसे वो बहुत ही अच्छे से टूट रहे हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। तो इस तरह के छोटे छोटे करेले आपको लेना है जिसमें कम बीज रहते हैं, और ये छोटे करेले ज़्यादा कड़वे में नहीं होते, इससे सब्ज़ी ज़्यादा कड़वी नहीं बनती है, और करेला फ्राई के लिए ये छोटे छोटे करेले ही अच्छे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इन करेले के एजेस को कट कर लेती हूँ। जितना पार्ट हमें चाहिए उतना ही लेना है, और हमें इसे थोड़ा सा पील कर लेना है। ऊपर ऊपर के जो दांत जैसे पार्ट दिख रहा है उसे हमें निकालना है, हमें ज़्यादा पील नहीं करना है, नहीं तो करेले को खाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं ऊपर ऊपर से जो थोड़ा थोड़ा पार्ट दांत जैसा दिख रहा है उसे निकाल लेती हूँ। इस तरह से हमें थोड़ा सा ही पार्ट निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने करेले को पील किया है। इसी तरह से बाकी करेले हमें पील कर लेना है। करेले की सब्ज़ी हम बार बार तो नहीं खाते, बट हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ज़रूर खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी करेले को पील करने के बाद मैं यहाँ से बीच में से ऐसे कट लगा लेती हूँ। इस तरह से कट लगाने के बाद आप देख सकते हैं करेले में बिल्कुल भी बीज नहीं, एकदम कौला करेला है। तो हमें इसे अंदर का पार्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग इसे ऐसे ही रखेंगे। अगर इसमें ज़्यादा बीजें होती तो हम लोग निकाल सकते थे, बट इसमें बीजें नहीं है तो ऐसे ही रहने दें। इस तरह से मैंने सारे करेले को अच्छे से पील करके लिया है और ऐसे बीच में से कट लगा लिया है। अभी हमें यहाँ पे एक नॉर्मल सी स्ट्रफिंग बनानी है करेले में स्ट्रफ करने के लिए। इसके लिए मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर यहाँ पर ले ली हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पर लूँगी एक चम्मच के करीबन मैंगो पाउडर यानी आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड नमक यहाँ पे लेना है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमें इस करेले में वो स्टफ करना है। हमें ज़्यादा स्टफ नहीं करना है, स्टफिंग तो हम लोग आगे बनाएंगे और, बट थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हमें लेना है। और मैंगो पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे कि उससे थोड़ा सा खट्टापन आएगा और करेले का कड़वापन कम आएगा। इन सब सारी चीज़ों को हमें अभी मिक्स कर लेना है, और करेले में थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। यहाँ पे हमारी नॉर्मल स्टफिंग रेडी हो गई है, और मैंने पहले से ही कुछ करेले यहाँ पे स्टफ करके लिए हैं। स्टफ मतलब थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा ऐसे भर भर के नहीं लगाना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हल्का ऐसे चिपका देना है, और थोड़ा सा हल्के हाथों से ऐसे प्रेस कर देना है। इसी तरह से सारे करेले मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा ही मसाला लगाना है, बाकी मसाला बचेगा वो हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। सारे करेले यहाँ पर हमारे रेडी है आगे के प्रोसेस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के प्रोसेस में। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म करने रखा है, और उस पर एक ही डिश रखी है। इस डिश में हमें ये करेले रखने हैं, और 5 से 7 मिनट के तक हमें करेले स्टीम करना है। ज़्यादा हमें स्टीम नहीं करना है, थोड़े से सॉफ्ट होने तक हमें इन्हें स्टीम करना है। सो एक एक करके हम लोग करेले यहाँ पर इसे रख देंगे। ये जो करेला फ्राई की रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, ये महाराष्ट्रन फैमिलीज़ में ज़्यादा बनती है, और इस तरह से जो स्टीम करके करेला बनाया जाता है वो महाराष्ट्रन क्यूजिन में ज़्यादा बनता है। इससे करेले का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है, कड़वा नहीं लगता है उतना जितना नॉर्मल करेले की सब्ज़ी में लगता है। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, मैंने करेले को अच्छे से स्टीम कर लिया है। आप देख सकते हैं करेले का कलर चेंज हो गया है, और थोड़े से सॉफ्ट भी लग रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाकू के नोक से चेक करती हूँ, करेला अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देना है। अभी जो हमारा पहले का मसाला बचा था, जो हम लोगों ने करेले को स्टीम करते समय लगाया था, उसे भी यहाँ पे लेना है। उसी में हम लोग बाकी के चीज़ें लेंगे। मैंने यहाँ पे स्टफिंग के लिए सेंगदाने का पाउडर लिया है। ये भुने हुए सेंगदाने का पाउडर है, आप चाहे तो कच्चे सेंगदाने का भी पाउडर ले सकते हैं, बट भुने हुए को ज़्यादा टेस्ट आता है। हम लोग हमेशा रेगुलर घर में बना के रखते हैं, ये किसी भी सब्ज़ी में डाल लें तो इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, और महाराष्ट्र फैमिलीज़ में ये सेंगदाने का पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मिर्ची का पाउडर लूँगी। तीखा आप अपने हिसाब से डालें, आपको जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से मिर्च का पाउडर ले लें।
और यहाँ पे मैं एक चम्मच गरम मसाला भी डाल रही हूँ। मसाले आप अपने हिसाब से ले, आपको जो जो मसाले पसंद है वो डालें। धनिया पाउडर थोड़ा सा पहले ही इसमें था तो मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर अभी नहीं लिया है, इसको मिक्स कर लेते हैं। और बाद में मैं थोड़ा सा यहाँ पे चुटकी भर नमक भी डाल देती हूँ, क्योंकि नमक हमने पहले स्टीम करते समय करेले में यूज़ किया था, तो हमें कम नमक डाल देना है, याद में रखना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा नमक मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। ये स्टफिंग हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसमें आपको और कुछ चीज़ें डालनी है तो आप डाल सकते हैं, मगर यही बेस्ट स्टफिंग है। इससे ज़्यादा कुछ डालेंगे तो करेले का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो ये नॉर्मल से हमारी स्टफिंग रेगुलर वाली रेडी हो गई है। अभी ये स्टफिंग हमें करेले में स्टफ कर लेनी है। करेले हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं 10 से 15 मिनट में, तो हमें जितनी स्टफिंग चाहिए उतनी स्टफिंग हम लोग यहाँ पर भर लेंगे। और हल्के हाथों से हमें करेले को प्रेस करना है, स्टफिंग को भी ऐसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है। करेले हमारे सॉफ्ट है तो टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हमें ज़्यादा दबाना नहीं है। इस तरह से स्टफिंग हमें हल्के हाथों से भर लेनी है। मैं यहाँ पे ड्राई स्टफिंग ही भर रही हूँ, मगर आपको अगर इसे गीला करना है तो गीला कर भी कर सकते हैं। गीला करने में पानी मत डालिए, थोड़ा सा ऑयल डाल के आपको वो स्टफिंग थोड़ी सी गीली कर सकते हैं। मगर इस तरह से ड्राई ही बनाए तो करेले भी ड्राई बनते हैं। इस तरह से सारे करेले को मैंने स्टफ कर लिया है। बड़े चम्मच तेल लिया है, तेल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रखें तो करेले अच्छे से फ्राई होंगे। अभी तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे एक चम्मच जीरा डालती हूँ, जीरा की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालें। और यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालती हूँ। आपको अगर लहसुन पसंद है तो आप उसे थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर करेले एक वन बाय वन करके पैन में अच्छे से कूट कर लेती हूँ। सारे करेले मैंने यहाँ पे पैन में अच्छे से रख दिए। अभी हमें गैस फ्लेम मीडियम ही रखना है ताकि करेले हमारे अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। आप चाहे तो आपको तड़के में कड़ी पत्ता या हींग पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, अच्छा सा फ्लेवर आता है। 5 से 7 मिनट बाद हम लोग चेक करते हैं कि हमारे करेले कैसे हो गए हैं। 5 मिनट में आप देख सकते हैं करेले हमारे थोड़े से अच्छे से कलर चेंज हो गया, और नीचे से आप पलट के देखेंगे तो ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह से सारे करेले को हमें पलट लेना है और दूसरी साइड से भी उन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है 5 से 7 मिनट तक। करेले को मैंने दूसरी साइड से भी अच्छे से पलट लिया है और इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए ये भी साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है, और हमें इस साइड से भी 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। हम देख सकते हैं करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, तो और एक बार पलटेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसे और फ्राई करेंगे एकदम करारा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह के करेले फ्राई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दाल चावल और रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, या सिर्फ दाल चावल के साथ भी आप इसे साइड डिश की तरह से खा सकते हैं। इस तरह से करेला फ्राई बनाते हैं आप तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा और सब लोग बड़े पसंद से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी करेले फ्राई की रेसिपी अगर पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और साथ में अपनी कमेंट्स भी पास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।